नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से लगाए गए प्रतिबंध पर कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया है कि सरकार नहीं चाहती कि चारधाम यात्रा चले। देखिए, हाईकोर्ट ने जो आज चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, उसके पीछे राज्य सरकार की लापरवाही, हीला हवाली और राज्य सरकार के द्वारा हाईकोर्ट को मुतमईन न कर पाना, उनके सवालों का और उनकी क्वेरीज का जवाब न दे पाना। कैसे एंटीजन टेस्ट होगा, कैसे आरटीपीसीआर होगा, जो लोग आएंगे अगर बीमार पड़ गए तो उनकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे, राज्य सरकार के पास हेल्थ सर्विसेज, ऑक्सीजन, इन तमाम चीजों की क्या व्यवस्थाएं हैं, इसके बारे में कोई जवाब जब नहीं दे पाए तो हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी। मैं समझता हूं जिस प्रकार से कुंभ में लापरवाही बरती गई आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट के बारे में, जिस प्रकार से तमाम लोग वहां पर आए लेकिन सरकार व्यवस्था नहीं कर पाई, वही डर हाईकोर्ट को था और इसीलिए आज हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके लिए पूरी तरह से राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। हरिद्वार में मेला प्रशासन में तैनात वरिष्ठ लेखाकार संजय शर्मा की ब्लूटूथ हेड डिवाइस फटने से देर रात उनके घर पर ही मृत्यु हो गई। उद्यान विभाग हरिद्वार के कर्मचारी संजय शर्मा कुंभ मेला में प्रतिनियुक्ति पर थे। उनके निधन पर मेला अधिकारी दीपक रावत, हरिद्वार विकास प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर ललित नारायण मिश्र और देहरादून मसूरी प्राधिकरण के सचिव हरवीर सिंह सहित मेला प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने शोक व्यक्त किया है। देखिए, वो जिनकी डेथ हुई हमारे अकाउंट्स में काम करते थे, ही वॉज अ वेरी गुड ऑफिसर और लगातार अभी भी जो कुंभ खत्म होने के बाद जो भी अकाउंट की प्रक्रिया थी उसमें वो लगे हुए थे, दिन रात अपने कर रहे थे। तो जो उनकी डेथ हुई है उसमें तो अभी पोस्टमार्टम होगा, उसी रिपोर्ट के बाद ही हम बता सकते हैं कि किस वजह से हुई है। ऑल दो उन हमारे कुंभ के जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, जितने कर्मचारी हैं, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा उनकी फैमिली के साथ और हम कोशिश करेंगे उनकी फैमिली की मदद करने की। पौड़ी कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेसियों ने हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राज्य सरकार का पुतला दहन करने के साथ ही नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कामेश्वर राणा के साथ जिला उपाध्यक्ष विनोद दशोनी और समेत तमाम कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। आज हमने कांग्रेस कमेटी पौड़ी के द्वारा ये जो आयोजन किया पुतला दहन का प्रदेश सरकार का, ये इस संबंध में था कि हरिद्वार महाकुंभ में जो कोविड टेस्टिंग के मामले में जो महाघोटाला हुआ है तो उसके लिए हमने सरकार को चेताने के लिए ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया कि इसकी एक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, क्योंकि यह ऐसी निकम्मी सरकार कि देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये कोरोना जैसी महामारी में भी और इस प्रकार के कोविड टेस्टिंग के मामले में भी इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी, जो कि कम से कम इस मामले में तो भ्रष्टाचारी नहीं होनी चाहिए थी लेकिन इस मामले में भी इन्होंने भ्रष्टाचार में पूरे देश को और पूरे देश की जनता को नहीं छोड़ा है, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि इसमें उचित कार्रवाई हो और इसकी शुद्ध जाँच हो और दोषियों को सजा मिले। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में मासूम बच्चे की मौत गंगा नहर में डूबने से हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां पर आए दिन इस गंग नहर में डूबने से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं स्थानीय पुलिस भी इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। पौड़ी जिले में कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने कड़े एहतियात बरतते हुए अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिससे बच्चों की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों का पता स्वास्थ्य विभाग की टीम लगा रही है और गंभीर बीमारी से ग्रस्त बच्चों की सूची बनाकर उनका उपचार भी किया जा रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते आज बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हम विकासखंड खिरसू के ग्राम सभा कमेड़ा में आए हैं और इसके अंतर्गत जितनी भी ग्राम सभाएं हैं उनमें जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, पंजीकृत हैं, उन सभी का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम यहां उपस्थित हुए हैं। इसी क्रम में आज हमने यहां 3 गाँव को कवर किया है, जिसमें हमने लगभग अभी तक 100 से 125 बच्चों की स्क्रीनिंग करी है तथा जो बच्चे विशेष बीमारी से ग्रसित हैं उनको हमने चयनित किया है ताकि जो कोविड-19 वैश्विक महामारी है उनसे इन बच्चों को बचाया जा सके। साथ ही जो जितने भी अभिभावक यहाँ मौजूद थे बच्चों के साथ, उन सभी को हमने बच्चों के प्रति जागरूक रहने की जानकारियाँ दी हैं तथा इस बीमारी से बचने के लिए जो भी कदम उठाए जाने उनके संदर्भ में बच्चों को जानकारियाँ दी गई।
उत्तराखंड में भले ही अनलॉक का दौर शुरू हो गया है, लेकिन पर्याप्त रोजगार के संसाधन नहीं होने की वजह से तमाम मध्यवर्गीय परिवार अभी भी रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे में स्पर्श गंगा टीम के जरूरतमंद सदस्यों की मदद के लिए संयोजिका सरोज डीमरी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने लगभग 3 दर्जन परिवारों को संयुक्त संयोजिका आरुषि पोखरियाल के जरिए राशन की सहायता उपलब्ध कराई है। उत्तराखंड के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होकर जरूरतमंदों को राशन वितरित किया है। रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण की तरफ से अब नक्शा पास कराने को लेकर भारी छूट देने की बात कही जा रही है। ये छूट मात्र सितंबर 2021 तक ही दी जा रही है, जिसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। एचआरडीए के अधिकारियों के मुताबिक सरकार की तरफ से नक्शा पास कराने की फीस में हुई देरी को लेकर मकान बनाने वाले लोगों को रुपयों को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पर अब एचआरडीए से नक्शा पास करने में 2013-2014 वाले रेट में ही नक्शा पास किया जा रहा है, जिससे आम जनता को काफी लाभ हो सकता है। ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट योजना 2021, पहले 2019 में आई थी, अब 2021 में जो है सरकार द्वारा, हमारी जनप्रिय सरकार द्वारा जो है इसको लागू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारी प्रचलित हुई नियम है, जिस नियम के अंतर्गत हम नक्शा मानचित्र स्वीकृत कराते हैं, उसके अलावा जो है विशेष छूट प्रदान करते हुए 31 दिसंबर 2020 से पूर्व के जो निर्माण है और निर्माण है, चाहे उन पर वाद हमारे प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं, उनको स्वीकृत कराने के लिए ये विशेष छूट दी गई है, ताकि जो है वो लोग अपना जो मानचित्र स्वीकृत करा लें। मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जिनके भी वाद यहाँ पर प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं, तथा लंबित होने के साथ साथ जिनके जो भी नक्शा पास कराना चाहता है, तो जिनके नाम से पहले पूर्व में जो है संस्थाओं द्वारा पास नहीं किए गए हैं, वो भी अपने बिजली और पानी के बिल से अपने निर्माण को साबित करके कि जो है 2020 से पूर्व का निर्माण है, दिसंबर 2020 से, तो अपना मानचित्र समन करा सकते हैं। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ईंट भट्टा मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला लीज की जमीन को लेकर जुड़ा था। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है। जानकारी पाकर सीओ मंगलौर पंकज कौरेला, सीओ रुड़की बीएस चौहान, कोतवाली प्रभारी यशपाल बिष्ट समेत तमाम अधिकारियों ने मामले की जानकारी ली। पुलिस शव को पंचनामे के लिए भेज दिया है। ईंट भट्टे का एक विवाद में आज एक जो यहाँ पर जो काम कर रहे थे उसमें एक हत्या हुई है, और इसमें जो भी मुलजिम है उसकी धरपकड़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जल्दी उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। सुबनगर चौकी परिसर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स जागरूकता सप्ताह पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अनुरोध व्यास चौकी इंचार्ज सुबनगर ने सुबनगर वासियों से नशीले पदार्थ का प्रयोग न करने की अपील की है। बता दें कि हर साल 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड पुलिस ड्रग दिवस को 22 से 28 जून तक साप्ताहिक जागरूकता अभियान चलाकर मनाती है। मौके पर व्यास चौकी इंचार्ज सुबनगर विस्थापित क्षेत्र के अध्यक्ष हर्षमणि जोशी समेत तमाम लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।